जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, एनसीएफ 2005, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम योजना 2005 के बारे में। और इस वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम योजना 2005 क्या था, किसकी सिफारिश से बना, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसका प्रमुख सूत्र क्या था, किस सूत्र पे ये कार्य करता था। वो सूत्र था लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा। और इसी सूत्र के आधार पर एनसीएफ ने क्या सिद्धांत रखे और उन्होंने क्या सिफारिशें करी आगे की शिक्षा, स्कूली शिक्षा के लिए, और एनसीएफ 2005 की प्रमुख विशेषताएँ क्या थी, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले खास शुक्रिया उन टेलीग्राम के साथियों को जिन्होंने हेल्प करी, मुझे मैसेज किया यह प्रिपेयर करने में, यह पूरा नोट्स बनाने में। तो आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एनसीएफ 2005 आखिर में क्या था। आइए दोस्तों देखते हैं एनसीएफ 2005 के बारे में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्य रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, इसके संबंध में प्रोफेसर यशपाल जी को अध्यक्ष बनाया गया और उनकी अध्यक्षता वाली बैठक में एक राष्ट्रीय संचालक समिति और लगभग 21 अन्य राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया। ठीक है, इस समिति का उद्देश्य क्या था। इस समिति का उद्देश्य था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2000 की समीक्षा करना, यह देखना कि वो कितना कारीगर है, कितना सही है, कहां तक उससे शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त हुए, तो उसकी समीक्षा कर उसमें जरूरी संशोधन करना ताकि भारत में शिक्षा के अनुप्रयोगों को अधिक सफल बनाया जा सके। ठीक है दोस्तों, 2005 एनसीएफ का क्या कार्य था, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीईआरटी के द्वारा चेंज करने का निर्णय लिया गया और इसमें श्री यशपाल जी को अध्यक्ष बनाया गया और लगभग 21 अन्य राष्ट्रीय फोकस समूहों को मिलाकर एक समिति की गठन की गई। ठीक है, तो एनसीएफ 2020 की समीक्षा की गई और यह देखा गया कि इसमें कितना सुधार की ज़रूरत है। तो एनसीएफ 2020 से यह तात्पर्य है कि एनसीएफ जो 2005 था, इसके पहले भी कई एनसीएफ बन जा चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल बने हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 जो था, वह चतुर्थ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले 3 एनसीएफ और बन चुके हैं। कौन कौन से? एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1988 और एनसीएफ 2000, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 75, 88 और 2000 इससे पहले भी प्रकाशित किए जा चुके हैं। अब शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इसमें भारत में, भारत की देश में शिक्षा अनुप्रयोग को अधिक सफल बनाने के लिए एनसीएफ ने जो मुख्य सिद्धांत दिए, उन सिद्धांतों को जानते हैं। तो वो मुख्य सिद्धांत क्या थे? वो 5 मुख्य सिद्धांत थे। सबसे पहला मुख्य सिद्धांत ये था कि जो ज्ञान है ना, उसको किताबों तक सीमित नहीं करना है, ज्ञान को जीवन से जोड़ना है, ज्ञान को स्कूल से बाहर तक लेके जाना है, समाज से, जीवन से और समाज के फायदे के लिए एक ऐसा योजना बनाना है जिससे प्राप्त ज्ञान बच्चे अपने जीवन से जोड़ सके, अपने जीवन में उसका लाभ उठा सके, किताबी ज्ञान से आगे बढ़े बच्चे। दूसरा था पढ़ाई को रटने की प्रवृत्ति से मुक्त करना। ठीक है, रटने की प्रवृत्ति हटाना है और पाठ्यचर्य का इस प्रकार से सर्वधर्म प्रमोशन किया जाए कि वह केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए बल्कि वह बच्चे का चौमुखी विकास, ऑलराउंड एंड मल्टी डायमेंशनल विकास करने का अवसर उपलब्ध कराए। ऑलराउंड मतलब उसके सामाजिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, हर एक प्रकार का विकास करने में वह पाठ्यक्रम क्या हो, सहायक हो। अब आइए, परीक्षाओं को अपेक्षाकृत लचीला बनाया जाए। ठीक है, इतना हार्ड परीक्षा ना कर दिया जाए कि परीक्षा के डर से बच्चे पढ़ाई छोड़ दें, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया जाए कि जो बच्चे बहुत बुद्धिमान है वो भी इजीली पास कर सके और जो बच्चे थोड़े से कम बुद्धिमान है वो भी मेहनत करें तो परीक्षा को पास कर सके। और क्लास की गतिविधियाँ क्लास की गतिविधियों से जोड़ना, मतलब एक्टिविटीज उसके अंदर देना, बिल्कुल हमेशा ये नहीं कि किताबी चीज़ें। ठीक है, पांचवा सिद्धांत है एनसीएफ 2005 का, ऐसे विचारों का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्र चिंताएं समहित हो, मतलब राष्ट्रीयता की बात की जाए, प्रजातांत्रिक मूल्यों की बात की जाए। तो ये प्रमुख 5 सिद्धांत थे दोस्तों एनसीएफ 2005 के। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अब आइए बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के सूत्र क्या थे, किन सूत्रों पे ये सारे सिद्धांत की रचना की गई। तो उसका सूत्र यही था, एजुकेशन विदाउट बर्डन, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है,
अब हम देखते हैं एनसीएफ 2005 के उद्देश्य प्रमुख, इस रूपरेखा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। उद्देश्य था विचार और कर्म की स्वतंत्रता, एक बच्चे अपने स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को प्रकट रख सके, सामने रख सके और उस पर वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, दूसरों की भलाई वेल बीइंग ऑफ अदर्स और उनके भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता, ठीक है, ये उसके उद्देश्य थे। परिस्थितियों का शालीनता और रचनात्मक तरीके से सामना करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की प्रवृत्ति बढ़ाना और आर्थिक तथा सामाजिक प्रक्रियाओं में बदलाव लाने हेतु कार्य करने की क्षमता को विकसित करना इत्यादि शामिल है। इसका क्या मतलब हुआ, आर्थिक तथा सामाजिक प्रक्रियाओं में बदलाव लाने, अगर समाज में कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि गलत हैं, ठीक है, जैसे पहले होता था सती प्रथा, तो वो एक गलत था, तो अगर आज भी कोई समाज में से गलत कार्य हो तो रूपरेखा ऐसे उस उद्देश्य के साथ बनाया गया कि बच्चे उसका विरोध कर सके, उसमें बदलाव ला सके, उसे चेंज कर सके और समाज को और अच्छा बना सके। तो ये था रूपरेखा का उद्देश्य। अब दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं एक पॉइंट और देख के, वो है कि राष्ट्रीय और पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 ने कौन से सुझाव और सिफारिशें दी। तो देखिए, तो बच्चों को पढ़ाई के अधिक दबाव से मुक्त कर स्कूली शिक्षा को आनंदपूर्ण बनाने हेतु, समझ में आ गया बात, आनंदपूर्ण बनाने हेतु पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 निम्नलिखित सिफारिशें करता है, कौन कौन सी। पहला, त्रिभाषा फार्मूला। त्रिभाषा फार्मूला का मतलब ट्राई लैंग्वेज फार्मूला, मतलब शिक्षा आप तीन लैंग्वेज में दीजिए, पहला उसकी जो भी मातृभाषा है ना, जो भी उसकी क्षेत्रीय भाषा, अगर वो ट्राइबल है, ठीक है, ट्राइबल भाषा है तो आदिवासी भाषा में शिक्षा दीजिए, उसके साथ साथ जो भी उस बच्चे का क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा, चाहे वो गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, जो भी हो उस भाषा में शिक्षा दीजिए। तो ट्राई लैंग्वेज फार्मूले को अपनाया गया, ठीक है, को शिक्षा का माध्यम की स्वीकृति दी गई। बच्चे को बहुमुखी प्रवृत्ति, मल्टी लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बताया गया, मतलब एक तो क्षेत्रीय भाषा सीखेगा, दूसरा राष्ट्रीय भाषा सीखेगा और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी कि अंग्रेजी भी सीखेगा, इसके बारे में सिफारिश किया गया राष्ट्रीय रूपरेखा एनसीएफ 2005 के द्वारा। प्राथमिक शिक्षाओं, प्राइमरी एंड एलिमेंट्री स्टेज के पूरे दौर में पढ़ने पर जोर दिया जाए, ठीक है, आपको उस वक्त ज़्यादा बच्चों को दिया जाए, हर बच्चे को स्कूली शिक्षा का ठोस आधार मिले, हर एक बच्चा, देश का हर एक बच्चा स्कूल में आए और वो पढ़ाई करे, प्राथमिक शिक्षा को हासिल करे, इसके बारे में सिफारिशें की गई। गणित की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चे को चिंतन, तर्क, शक्ति और अमूर्तना की संकल्पना, समस्याओं को सूत्रबद्ध कर उन्हें सुलझाने आदि की योग्यता हो, ठीक है, इस प्रकार से गणित के शिक्षा के बारे में कहा गया। कुछ और पॉइंट देख के वीडियो को ख़त्म करेंगे। पाठ्य पुस्तक में ऐसी सामग्री की बहुलता की को प्रेरित करता है जिसमें स्थानीय ज्ञान और प्रारंभिक कौशल भी शामिल हो, ऐसी स्कूली माहौल का विकास करने का सुझाव देता है जिसमें बच्चे के घर और सामुदायिक परिवेश के साथ जीवन संबंध बनाया जा सके, ऐसा पाठ्य पुस्तक हो, ऐसा स्कूल का माहौल हो कि बच्चे उसमें क्या करें, आराम से पढ़ सकें और एक कंफर्टेबल होकर उसमें चीज़ें ज्ञान हासिल कर सकें। प्रत्येक स्तर पर विषय के रूप में विभिन्न कलाओं, जैसे विभिन्न कला, अगर कोई बच्चा मान लीजिए किसी दूसरे कार्य में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे गायन, नृत्य, दृश्य कलाएँ, पेंटिंग, नाटक इत्यादि, तो प्रत्येक स्तर पर विषय के रूप में विभिन्न कलाओं जैसे गायन, नृत्य, दृश्य कलाएँ और नाटक इत्यादि को जगह दिए जाने की भी सिफारिश करता है, कौन सा, एनसीएफ 2005। और बस खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, खत्म करेंगे इस वीडियो को। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ सहायक वर्ड्स मिले होंगे, कुछ पॉइंट्स मिले होंगे जो हेल्प करेंगे आपको अपना नोट्स प्रिपेयर करने में। अपना नोट्स इसलिए क्योंकि आपका नोट्स ही बेस्ट है आपके लिए, वही चीज़ें आप एग्जाम में लिखने वाले हैं। तो इस वीडियो के आधार पर कुछ चीज़ें समझिए और हाँ, अपनी नोट्स बनाइए, अपने शब्दों में चीज़ों को लिखिए, एग्जाम में वही आपको लिख कर आना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों कि यह वीडियो थोड़ा बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपके कमेंट का इंतजार इस बार मुझे भी है और मेरे उन सभी साथियों का है जिन्होंने मुझे हेल्प करी यह वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और दोस्तों दूसरों तक शेयर कर दें। एक टीम की तरह काम करेंगे, अच्छे लोगों को जोड़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे। दूसरों तक शेयर कर दीजिए और लाइक करें इस वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।